हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास है होंडा एक्टिवा। तो आज मैं आपको इसमें वायरिंग की जानकारी देने वाला हूं। जो इसकी वायरिंग होती है, इसमें एक एक तार की आपको जानकारी दूंगा और वो क्या काम करती है, किस फंक्शन की होती है। दोस्तों, आप सब भाइयों को मेरे को जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमें जो है होंडा एक्टिवा की वायरिंग का वीडियो चाहिए और हमें इसकी वायरिंग नहीं आती, वो कैसे काम करती है और इसकी एक एक तार की अच्छे से हमें जानकारी देना। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसमें बिल्कुल सही तरीके से इसकी जानकारी दूंगा, किसकी जो वायरिंग है एक एक तार की, क्या ये काम करती है और ये किस फंक्शन की होती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी। तो दोस्तों देखिए, अब आप लोगों की बारी है, मैं तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ और उसमें आपको जानकारी भी देता रहता हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब हमारा यूट्यूब चैनल योर बाइक मैकेनिक 1 लाख की ओर बढ़ रहा है। तो अब आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों हमारे चैनल को आगे तक ले जाने की। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो भी चैनल को जो है अब सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली BS4 और BS6 से संबंधित वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों हम इसके इग्निशन स्विच से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप इसमें जो है रेड प्लस वाइट लाइन की तार देख सकते हैं, जो दोस्तों डायरेक्ट बैटरी से होकर आती है। ठीक है, जो यहाँ पर ये इसका रेक्टिफायर होता है, ये इससे भी निकलती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट दोस्तों इसके इग्निशन स्विच में आ जाती है। तो ये तार दोस्तों इसकी मेन हो गई बैटरी से होकर जाने वाली। ठीक है, 12 वोल्ट DC सप्लाई। उसके बाद जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो अगली तार आप देख सकते हैं ये रेड पे ब्लैक लाइन की तार। ठीक है, तो ये तार दोस्तों इसमें कन्वर्ट हो जाती है और जहाँ जहाँ भी आपको तकरीबन ये रेड में ब्लैक लाइन या फिर ब्लैक जो प्योर होती है वो मिलती है, तो वहाँ पर आपको ये 12 वोल्ट की DC सप्लाई वाली तार देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम इसके मीटर बॉडी वाली वायरिंग की। हम आपको स्टेप बाई स्टेप दोस्तों एक एक तार की जानकारी देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर ये वायरिंग है, तो सबसे पहले जो आप इसका ये राइट हैंडल बार में स्विच होता है, जिसको हम सेल्फ स्विच बोलते हैं, तो इसकी वायरिंग आप लोग देख सकते हैं जो है ये येलो पे रेड लाइन। ठीक है, और दूसरी हो गई ये थोड़ी डार्क ग्रीन होती है और दूसरी इसमें पीली पट्टी होती है। ठीक है, ये जो इसमें येलो पे रेड लाइन है, ये आ जाती है इसके CDI में। देखिए यहाँ पर भी आ जाती है ये तार। ठीक है, इसके CDI यूनिट में, और उसके बाद इसके सेल्फ रिले में चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें ये तार दी गई है, ये आ जाती है यहाँ पर जो इसका ये ब्रेक स्विच होता है, क्योंकि जब हम इसके अगले ब्रेक को दबाते हैं या पिछले ब्रेक को दबाते हैं तो इसको सप्लाई चाहिए, तभी दोस्तों ये स्विच काम करेगा और इस स्कूटी को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गए सेल्फ की तार। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका ये स्विच होता है, यहाँ पर देखिए जो ये इसका इंडिकेटर वाला स्विच है, तो यहाँ पर जो इसमें ये तार दी गई है बीच वाली, ये स्लेटी रंग की, आपको इसमें ये तार मिलेगी फ्लैशर की। ठीक है, ये इसमें फ्रेशर की तार हो गई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो यहाँ पर है ये इसमें फ्रेशर की तार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाती है, और उसके बाद जो इसमें ये दो तार दी गई हैं, देखिए एक तो ये आप इसमें संतरी रंग की तार देख सकते हैं और दूसरी ये आसमानी, ठीक है, स्काई ब्लू। तो ये जो इसमें तार है संतरी वाली, ये हो गई इसके लेफ्ट वाले इंडिकेटर की। तो ये लेफ्ट वाले इंडिकेटर की सॉकेट है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये लेफ्ट वाला जो इंडिकेटर की तार है, यहाँ पर ऊपर मीटर बॉडी में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एरो का निशान होता है। ठीक है, और दूसरी जो ग्रीन है ये इसका बॉडी अर्थ है, और जो इसमें स्काई ब्लू है दूसरी, ये हल्की जो आप आसमानी रंग की देख सकते हैं तार, ठीक है, ये आ जाती है इसके राइट वाले इंडिकेटर की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर भी आप ये तार देख सकते हैं। ठीक है, ये तार हो गई इसके इंडिकेटर की। इसके बाद जो इसका नीचे वाला स्विच है, जो है हॉर्न स्विच, तो यहाँ पर आप ये हल्की हरी रंग की तार देख सकते हैं, जिसको हम तोतिया रंग की तार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके हॉर्न की। तो आप लोग देख सकते हैं ये तार जो है यहाँ पर आ गई इसके हॉर्न पर, और दूसरी तार जो इसमें ये ब्लैक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पर ये ब्लैक तार आपको मिलेगी, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसमें तार है ये रेड पे ब्लैक लाइन ये वाली, और ये प्योर ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर ये प्योर ब्लैक आ गई, तो इनमें 12 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगी, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे स्विच की। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये डायरेक्ट 12 वोल्ट आती है यहाँ पर मीटर, जो इसका ये रेक्टिफायर होता है। अगर मान लो इसमें स्विच होता है यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर दो तार आती, एक पीले वाली और उसके बाद जो इधर आ जाती वो अलग होती। ठीक है,
तो फिलहाल ये BS4 जो है स्कूटी है, इसमें ये स्विच तो नहीं है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट है, ठीक है, रेक्टिफायर से यहाँ पर आती है जो है भूरे रंग की, ठीक है, ये भूरे रंग की इसकी रेक्टिफायर से आती है। इसको आप मतलब कि लाइट की तार भी बोल सकते हैं, जो लाइट की आती है, ठीक है। और जो सफ़ेद तार हो गई ये इसकी लो बीम की हो गई, और जो इसमें ब्लू तार है ये इसकी हाई बीम की हो गई, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ये इसका होल्डर है लाइट वाला, ये हरी इसमें जो है अर्थ की है, और नीली तार इसका हाई बीम और सफ़ेद इसका लो बीम, और इसमें से जो इसकी नीली तार है एक यहाँ पर आ जाती है ऊपर मीटर बॉडी में, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमें एक ये सिंबल दिखाई देता है यहाँ पर, ये जो इसके हाई बीम का है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर वाली बॉडी की वायरिंग की, तो यहाँ पर मैं आपको इसमें एक एक तार दिखा देता हूँ। तो देखिए जो इसकी काली तार है यहाँ पर, ये जो इसमें काली तार है ये होती है 12 वोल्ट DC सप्लाई की। अब ये किस लिए दी गई है, ये इसलिए दी गई है जब हम स्विच को ऑन करते हैं और हमारी जो ये फ्यूल मशीन होती है, ठीक है, ये 12 वोल्ट से ही चलती है, तो ये इसके लिए होती है, क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव, और जो इसकी दूसरी तार होती है वो इसमें दी गई है ये पीली पे सफ़ेद लाइन, ठीक है, ये इसकी फ्यूल मशीन की होती है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये इसकी फ्यूल मशीन है, और आप ये पीली पे वाइट लाइन की तार देख सकते हैं, और ग्रीन इसका बॉडी अर्थ, ठीक है। इसके बाद जो इसमें अगली तार है, अगली तार होती है इसमें ये ब्राउन रंग की, जो मैंने आपको दिखाई, ये इसको आप लाइट की भी बोल सकते हैं, और ये जो अब रेक्टिफायर से आती है ये इसके मीटर बॉडी में भी आ जाती है, इसकी मीटर लाइट को ऑन करने के लिए, और जो इसकी बैक लाइट होती है उसमें भी चली जाती है, ठीक है। और अगली तार इसके जो है ये लेफ्ट इंडिकेटर की है संतरी रंग की, और आसमानी तार जो है इसकी होती है जो इसका ये राइट वाला इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो ये होगा इसकी अगली तार, और जो इसकी अगली तार है ये ग्रीन, ये होगा इसका बॉडी अर्थ। तो इसकी ये सभी तार हो गई तकरीबन, और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरी वायर दी गई है, तो इसकी जो अगली तार है यहाँ पर ये ब्लैक, ये 12 वोल्ट DC सप्लाई की, और ये जो है ग्रीन पे येलो पट्टी, ये होती है इसके ब्रेक स्विच की, इधर वाला ब्रेक स्विच और ये फ्रंट वाला ब्रेक स्विच, इससे जो तार निकलती है, ठीक है। इसे जब हम दबाते हैं तो इसकी बैक लाइट भी ऑन हो जाती है, और ये इस स्विच को जो है जोड़ देता है इन वायर को, तो ये स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी इसकी ऊपर वाली बॉडी की तार। तो अब बात करते हैं इसके आगे वाले हिस्से की। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया हॉर्न की, इसमें ये हल्की हरी होती है, और ये ग्रीन प्योर जो है ये इसका बॉडी अर्थ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो फ्लैशर है, फ्लैशर में आप ये एक स्लेटी रंग की तार देख सकते हैं, और दूसरी ये ब्लैक रंग की। स्लेटी जो इंडिकेटर के लिए होती है यहाँ पर आ जाती है, और ब्लैक 12 वोल्ट DC सप्लाई के लिए। इसके बाद जो इसका सेल्फ रिले होता है, सेल्फ रिले में आप ये दो तार देख सकते हैं, जो होती है ये येलो पे रेड लाइन, और दूसरी हो गई ये सफ़ेद पे ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन वाली तो हो गई इसका बॉडी अर्थ, और ये जो इसका येलो पे ग्रीन लाइन है ये इसका पॉजिटिव हो गया, जो आती है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से आती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक तार यहाँ पर ये आ जाती है इसमें, ठीक है, ये आप याद रखना। ये हो गई इसके सेल्फ रिले की वायरिंग, और दूसरी जो मोटी तार होती है ये आ जाती है यहाँ पर एक मोटी तार, और दूसरी जो मोटी तार आगे निकलती है रेड वाली, ये आ जाती है इसके सेल्फ पर। देखिए ये जो इसका यहाँ पर सेल्फ है यहाँ पर आ जाती है ये इसके अंदर, ठीक है। जो मोटी तार है ये बॉडी अर्थ की है, और इसके नीचे दो लगी है वो इसका पॉजिटिव है, ठीक है। आगे से जो सेल्फ रिले से तार आती है वो आती है इसके सेल्फ मोटर पर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अब पहले हम इसके फ्यूज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसमें फ्यूज दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया जो ये रेड पे वाइट लाइन है ये तो डायरेक्ट रेक्टिफायर से आती है, ठीक है, ये तो इसमें आपको जो है परमानेंट मिलेगी। उसके बाद जो कन्वर्ट हो जाती है ये स्विच लगाने पर, ये है इसकी रेड पे ब्लैक लाइन, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो ब्लैक है ये भी इसकी दोस्तों 12 वोल्ट DC सप्लाई की है। तो अगर मान लो आपकी बाइक की चाबी खो जाती है तो आप इसको या तो यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों तारों को आपने यहाँ से जोड़ देना है, या फिर आपने इन तीनों तारों को यहाँ पर मिला देना है। और जो इसमें एक चौथी तार दी गई है रेड, ये प्योर रेड है, ये बैटरी के लिए होती है। अगर इसका फ्यूज फूट जाता है तो यहाँ पर मीटर में कुछ फंक्शन काम नहीं करेंगे, यह सिर्फ किक से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये थी यहाँ की वायरिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इसके CDI यूनिट की। तो इसमें दो कपलर दिए गए हैं, देखिए
एक चार तार वाला और दूसरा तीन तार वाला। तो हम पहले तीन तार वाले कपलर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कोई भी तकरीबन जो डीसी सप्लाई वाली बाइक हो या स्कूटी हो, ठीक है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव तार जरूर मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये रेड पे ब्लैक लाइन की तार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके 12 वोल्ट की। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं और इससे जो तार निकलती है एक आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि इस सीरियल को जो है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो इसमें ये तार है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये है इसके ब्लैक पे येलो पट्टी और दूसरी है ये ग्रीन पे हल्की सी काली रंग की, ठीक है। तो ये आ जाती है इसकी एसटी कॉयल पर। तो ये तो आपको पता है कि जो इसमें ये ब्लैक पे येलो पट्टी है ये एसटी कॉयल की होती है और दूसरे वाली भी ये इसकी एसटी कॉयल की है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों तार यहाँ पर आ गई। आपने याद रखना है होंडा की और हीरो की जो स्कूटी या बाइक होती है उनमें ये तार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गई एसटी कॉयल की तार। इसके बाद जो इसका दूसरा कलर है चार तार वाला, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीली पे येलो लाइन, तो ये हो गई इसके पिकअप कॉइल की, सी के पे सेंसर की, जिसको आप पल्सर कॉइल भी बोलते हैं, पिकअप कॉइल, पल्सर कॉइल, सी के पे सेंसर, ठीक है। आप अलग अलग नाम से इसको जानते होंगे। ये इसकी हो गई। और जो दूसरी तार है इसमें ये येलो पे रेड लाइन, तो ये हो गई इसके स्विच की, ठीक है। यहाँ पर एक तार आ गई और उसके बाद इसकी तार यहाँ पर आ गई इसके सेल्फ रिले में, ठीक है। दो तार हो गई। तीसरी आप लोग देख सकते हैं ये सफ़ेद पे, ये है ग्रीन लाइन, ये आ जाती है इसके सेल्फ रिले में, ठीक है। और जो अगली तार है ये है ग्रीन, ये हो गया इसका बॉडी अर्थ, ठीक है। ये इस सीडीआई की वायरिंग है। और अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके रेक्टिफायर की। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके रेक्टिफायर की। तो यहाँ पर आप इसके कपलर में ये देखिए दोस्तों तार देख सकते हैं, जो इसमें ये चार तार दी गई है। पहली आपको पता है कोई भी रेक्टिफायर होता है इसको जो है एक सोर्स कॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और दूसरी नेगेटिव की, ठीक है। तो आप इसमें ये सफ़ेद तार देख सकते हैं, यहाँ पर ये सफ़ेद तार हो गई इसकी सोर्स कॉइल की, जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाती है और दूसरा इसका ग्रीन है जो बॉडी अर्थ है। और इससे जो अगली आउटपुट तार निकलती है, देखिए ये वो हो गई इसकी रेड पे सफ़ेद पट्टी जो जाती है इसकी बैटरी पे और इसके मेन इग्निशन स्विच पे, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और उसके बाद ये फ्यूज पेपर चल जाती है। तो जो दूसरी इसमें ये वाइट होती है ये सोर्स कॉइल की हो गई, जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। और दूसरी जो इसमें ये ब्राउन रंग की तार होती है ये जाती है इसके लाइट स्विच में, ठीक है, ये इसके लाइट स्विच में जाती है ब्राउन रंग की तार। अगर यहाँ पर पीली होती तब भी दोस्तों वो वही काम करती, ये आपने याद रखना है। ये तार इसकी मीटर बॉडी में जाएगी और इसके स्विच में जाएगी, जो इसका यह लाइट वाला स्विच होता है, ठीक है। ये हो गई इसके रेक्टिफायर की वायरिंग। अब चलते हैं पीछे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसकी वायरिंग देख सकते हैं जो पिछले वाले हिस्से की होती है। तो चलिए पहले हम इसे बड़े कपलर की बात कर लेते हैं। तो ये इसके सेल्फ मोटर की तार होती है। देखिए एक इसमें ग्रीन हो गई, ये इसका बॉडी अर्थ है, और दूसरी जो ये रेड पे सफ़ेद पट्टी होती है ये इसकी मोटी तार होती है जो सेल्फ मोटर पे जाती है, क्योंकि सेल्फ मोटर को मोटी तार चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो इसकी ये नीचे से कॉइल की तार आती है, देखिए यहाँ पर आप ये सोर्स देख सकते हैं। तो पहली तार ये ब्लू पे येलो पट्टी, ये हो गई इसके पिकअप कॉइल की, ठीक है, ये इसमें पिकअप कॉइल की तार होती है। और दूसरी जो इसमें ये ग्रीन तार है ये इसका बॉडी अर्थ हो गया, और ये सफ़ेद इसकी आर्मेचर कॉइल से होकर आती है, जिसको हम सोर्स कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये इससे सिर्फ तीन ही तार आती हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर ये कपड़ा दिया गया है ये आप देख सकते हैं, इसमें येलो पे सफ़ेद पट्टी और ये ग्रीन, तो ये हो गई इसके फ्यूल मशीन की, जहाँ पर ये फ्यूल मशीन दी गई है ये होती है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो इसमें अगला कपड़ा दिया गया है वो होता है यहाँ, इसमें जो तार दी गई है देखिए यहाँ पर ये, इसमें जो ब्राउन रंग की तार होती है ये होती है इसकी बैकलाइट के लिए। जब हम स्विच को ऑन करते हैं या बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, स्कूटी को या बाइक को, तो उससे जो हम लाइट को ऑन करते हैं तो ये जो ब्राउन तार होती है एक मीटर लाइट में चली जाती है, एक बैकलाइट में, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और जो इसमें ये संतरी रंग की तार है ये हो गई इसके दोस्तों लेफ्ट वाले इंडिकेटर की, ठीक है। और जो इसमें आसमानी तार देख सकते हैं आप, ये आसमानी तार है, ठीक है, तो ये हल्की आप नीली सी देख सकते हैं, तो ये हो गई इसके राइट इंडिकेटर की, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पीछे वायरिंग जाती है ये पिछले वाले इंडिकेटर के लिए दी गई है। और
जो इसमें ये अगली तार है ये ग्रीन, ये हो गया इसका बुढ़िया, ठीक है। और इसके बाद अगली जो इसमें तार होती है, देखिए ये हो गई इसके ग्रीन पे येलो लाइन, ये इसके ग्रीन पे येलो लाइन की तार है, ये जाती है इसकी बैक लाइट पे। जब हम अगले ब्रेक को या पिछले ब्रेक को दबाते हैं और उस स्विच से जो तार निकलती है वो जाती है इसकी बैक लाइट पर, ताकि हम इसकी बैक लाइट को ऑन कर सकें। तो ये थी इसके कपर की वायरिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आपको जो इसकी एस्टिक वाला है इसकी दिखा देते हैं वायरिंग। तो यहाँ पर आप ये इसकी ब्लैक पे येलो लाइन देख सकते हैं और दूसरी ये यहाँ पर डार्क ग्रीन देख सकते हैं। तो ये इसकी एस्टिक वाले की तार थी। तो दोस्तों ये इसकी जो वायरिंग थी होंडा एक्टिवा की, जो मैंने आज आपको इसमें ये जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी। अगर इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों हम इसी तरह से आपके लिए एक से एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।